जीरकपुर शिमला हाईवे पर चंडी मंदिर अमरावती के सामने बन रहे व्हीकल अंडरपास के निर्माण के दौरान सूरजपुर की ओर चल रहे निर्माण में हाईवे किनारे बने करीब सैकड़ों घरों का रास्ता बंद होने पर बुधवार को वहां पर रहने वाले सैकड़ों लोगों ने इकट्ठे होकर इसके प्रति रोष जताया। लोगों ने अपनी समस्या को लेकर मौके पर पवन कुमारी शर्मा महासचिव महिला प्रदेश कांग्रेस को बुलवाया। उनके साथ पूर्व पार्षद प्रवेश शर्मा, पूर्व पार्षद लाजपत, भगत सिंह ग्रुप प्रधान सचिन शर्मा भी मौजूद रहे। समस्या से अवगत करवाते हुए स्थानीय नानक चंद, धनीराम, योगेश, हीरा देवी, कैलाशी, कमला, शांति, ओमवती, रोनकीराम, मुकेश और दीनानाथ आदि ने बताया कि वो पिछले करीब 70 वर्षों से यहां पर बसे हुए हैं। उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड भी यहीं के बने हुए हैं। घरों में बिजली व पानी के कनेक्शन भी लगे हुए हैं। उनके वोटर कार्ड भी यहीं के हैं। वो हर चुनाव में वोट भी डाल रहे हैं, फिर भी उनका यहाँ के लिए रास्ता बंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर करीब 400 से ज्यादा घर हैं। लोगों ने बताया कि उनकी बस्ती में सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी और एक सरकारी पानी का ट्यूबवेल भी है, जिसका पानी आर्मी कैंट में जाता है। अगर रास्ता बंद कर दिया गया तो घरों के साथ साथ इनके लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अगर किसी को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना पड़ गया तो रास्ता ना होने से उसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। लोगों की समस्या सुनकर पवन कुमारी शर्मा ने उन्हें कहा कि उनकी समस्या जायज है, परंतु इसका समाधान करने के लिए किसी भी तरह के कानून की उल्लंघना ना करें। शर्मा ने उसी समय NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रदीप अत्री से फोन पर बात करके सैकड़ों लोगों की समस्या का समाधान करवाने के लिए कहा। शर्मा ने बताया कि उन्हें PD अत्री ने आश्वासन दिया है कि वो सड़क के लिए दीवार अपनी जमीन पर बना रहे हैं, बाकी वो उन लोगों का रास्ता बंद नहीं करेंगे, उन्हें रास्ता देंगे। इस पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ और वे अपने घरों को गए।